हेलो फ्रेंड्स, क्या कैंसर में स्टेज और ग्रेड एक ही होते हैं? आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है, मैं कैंसर सर्जन हूं और डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई है। सो दोस्तों, कई बार पेशेंट्स को, पेशेंट के फैमिली को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रेड और स्टेज सेम है या ग्रेड और स्टेज में कोई अंतर है, ये क्या है और इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। सो दोस्तों, जब हम कोई भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जब हम टेस्ट करते हैं या प्लानिंग के फेज़ में रहते हैं, तो जो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है किस प्रकार का कैंसर है। ये कैसे पता चलता है? हम जब बायोप्सी करते हैं तब हमें पता चलता है किस प्रकार का कैंसर है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, एडिनो कार्सिनोमा है, जिस्ट है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, अलग अलग प्रकार के कैंसर रहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये कैंसर फैला कितना है। ये इंफॉर्मेशन बायोप्सी में नहीं मिलता है। ये इंफॉर्मेशन के लिए हमें कुछ इमेजिंग टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे पेट स्कैन है, MRI है, CT स्कैन है। इससे बीमारी उस ऑर्गन से और कहाँ कहाँ फैला है, लिम्फ नोड्स में फैला है, बाजू के ऑर्गन में फैला है या दूर दराज के एरिया में जैसे लंग, लिवर, बोन, ब्रेन्स में फैला है, वो पता चलता है। जब हम दोस्तों बायोप्सी करते हैं और वो बायोप्सी में जो टिश्यू हमें मिलता है, जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ से हमने जो सैंपल लिया है, ये हम पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। पैथोलॉजिस्ट ये माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तब ये डायग्नोसिस बनाते हैं और इसमें मेंशन करते हैं कितने ग्रेड का ट्यूमर है। ये ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 हो सकता है। ग्रेड क्या दर्शाता है? ग्रेड ये दर्शाता है कि ये जो कैंसर के सेल्स हैं ये कितने तेज़ी से फैलने का क्षमता रखते हैं और ये नॉर्मल सेल से कितना बदलाव इनमें आ गया है, तो ये ग्रेड है। स्टेज ये दर्शाता है कि ट्यूमर उस ऑर्गन के इर्द गिर्द में या दूसरे जगहों पे कितना फैला है। सो ये डिफरेंस है ग्रेड में और स्टेज में। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि स्टेज आप समझ लीजिए आपका कक्षा है, आप दूसरे कक्षे में हो, 5वें कक्षा में हो या 7वें कक्षा में, और ग्रेड वो है कि वो कक्षा में आपको इम्तिहान में कितने मार्क्स मिलते हैं। सो आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो आपका इतना खराब ट्यूमर है, आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो आपका उतना वेल बिहेव ट्यूमर है जिसका ग्रेड कम है। तो हमें तो पहले से पता है कि जितना स्टेज बढ़ते जाएगा रिजल्ट्स इतने कम होते जाएंगे और आउटकम्स भी इतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो उसी हिसाब से ग्रेड से कुछ फर्क पड़ता है ट्रीटमेंट में और रिजल्ट्स में? डेफिनेटली पड़ता है। अभी मसलन के तौर पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। समझ लीजिए पेशेंट को अर्ली स्टमक कैंसर है, मतलब बहुत ही छोटे स्टेज का स्टमक कैंसर है या बहुत ही छोटे स्टेज का कोलन कैंसर है और जल्दी से बहुत पकड़ा गया और हमने एक बायोप्सी करके रखा है और जब बायोप्सी हम करने के लिए एंडोस्कोप डाल रहे थे, हमें समझ में आ गया कि ये जो ट्यूमर है छोटा है और हम इसे एंडोस्कोप से निकाल सकते हैं, बड़े सर्जरी का इसमें ज़रूरत नहीं है, ये हमें आइडिया आ गया और हमने इसका बायोप्सी लिया। अगर इस बायोप्सी में समझ लीजिए ग्रेड हाई ग्रेड आया, मतलब ग्रेड 3 आया, तब हम भले ही जितना भी छोटा ट्यूमर हो हम इसमें एंडोस्कोपी से ट्रीटमेंट सुझाव नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जितना ग्रेड ज़्यादा होता है उतना ही वो बीमारी लिम्फ नोड में फैलने का चांस बढ़ जाता है और जब सिर्फ हम एंडोस्कोप से ट्यूमर को हटाएंगे तो हम लिम्फ नोड्स को नहीं निकाल सकते, इसके लिए प्रॉपर सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरह कितना ग्रेड है उससे ट्रीटमेंट डिसीजंस में डिफरेंस आता है। अगर भले ही कितना छोटा स्टमक का कैंसर हो, कॉलोनिक कैंसर हो, ग्रेड बड़ा रहेगा तो हम डेफिनेटली सर्जरी बोलेंगे जो लैप्रोस्कोपिक हो सकता है या ओपन हो सकता है या रोबोटिक हो सकता है, बट हम एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक इसी तरह न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं जो थोड़े अनकॉमन ट्यूमर्स हैं, बट अगर ग्रेड 1 न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है इसमें रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं और ये ट्यूमर काफ़ी सालों तक बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं, या थोड़े ट्यूमर्स ऐसे हैं ग्रेड 1 न्यूरोएंडोक्राइन के वो बढ़ते ही नहीं हैं। इसके कंपैरिजन में अगर कोई ग्रेड 3 का न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर रहेगा वो काफ़ी तेज़ी से फैलेगा इन कंपैरिजन टू न्यूरोएंडोक्राइन ग्रेड 1। सो दोस्तों ये डिफरेंस है ग्रेड और स्टेज में, तो आप इसमें कन्फ्यूजन ना करें और हर एक का स्टेज का एक अपना इंपॉर्टेंस है और ग्रेड का अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों मिला के ट्रीटमेंट का डिसीजन होता है।
ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल है तो हमें लिख के बताइए या कमेंट्स में डालिए या ईमेल कीजिए। हम डेफिनेटली इन कमेंट्स को पढ़ के आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।